साथ अंदर बैठ करके ड्रग्स को गायब किया जा रहा है, किसके सारे पैसा काम किया जा रहा है, ये बहुत ही संदेह वाली बात है और बहुत ही दुख भरी बात है और बहुत ही ऐसी बात है जिससे हम सबको डर लगता है। तो देख सकते हैं दिल्ली के कानून मंत्री हैं लेकिन फिर भी जो है पुलिस की कार्रवाई से साफ तौर से निराश हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इको कार है, इसमें कई जो है गाड़ी उसमें लड़कियां भी हैं और दूर तक अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ भी देखेंगे तो दूसरी जो कार आपको नजर आ रही है उसमें भी कुछ कानून मंत्री हमारे यहाँ पर पीछे कुछ दिनों से हम जो है लोगों की शिकायत की जिसमें चौकी का धंधा होता है और ड्रग्स का। अच्छा, तो हमारे कानून मंत्री जो है उनको रात को बुलाया गया था। अच्छा, उनकी नॉलेज में भी डाला गया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पर चल रहा है, तो हमारे कानून मंत्री ने फ़ोन किया, वो रात को 12 बजे लगभग यहाँ पर आ गए थे। अच्छा, तो ऐसे यहाँ पर गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, 2-3 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, विदेशी महिलाएँ हैं। तो ये देख सकते हैं ये आसपास के लोग हैं, इन्होंने पुलिस को बताया था, उसके बाद में जो सोमनाथ भारती हैं उसको उनको इस बारे में जानकारी दी, उसके बाद रेड की गई और तमाम लड़कियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं। अब उसके बाद में अब आखिरकार में देखा जाएगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। और सोमनाथ भारती लगातार पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे इस मामले में कार्रवाई करने के बारे में जो है बार बार बोल रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की जो कार्रवाई है उससे सोमनाथ भारती साहब निराश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रवि दत्त के साथ नीरज कुमार, दिल्ली। आप अलाउ करो तो क्या मतलब निकल चुके होंगे वहाँ? कौन निकल चुके हैं? 4 घंटे से आप उनको अलाउ करके निकलने से तो बैग ले लेके भाग रहे हो। तो हेलो, अभी तो वो गेट गिरा रहा था, अभी बड़ी टाइट हो गई। ड्राइवर है ना, उसको कुछ सपोर्ट मिल गई होगी ना? डीसीपी साहब, आप अपने फोन से वो फोन लगाइए। मेरी बात कर रहे हैं सर, मैंने कंट्रोल रूम को दे दिए, जो हमारा प्रोसीजर है वो मैं कह रहा हूँ। आप अपने फ़ोन से तो लगा सकते हैं, ये डीसीपी को मैंने बता दिया, उनको मैसेज मिल गया। अरे भाई आप लगाएं तो सही, आप इतना भी नहीं कह रहा मान सकते, ये भी बड़ा दुख दुखभरी बात है। क्या दुख नहीं, वो थोड़ा सा प्रोटोकॉल वाली बात है। और आप अपने फ़ोन से लगाइए ना उनको, मेरे नंबर को ना पहचानते हो आप, नंबर तो पहचानते हैं ना आप, लगाइए फोन लगाइए ना साहब। आप नहीं चाहते जसपाल साहब यहाँ पे आए? आप फोन लगाइए। इतनी निष्क्रियता तो मत करिए, इधर रहिए, करिए ना साहब, जैसे भी साहब फोन लगाइए तो सही। आपने फोन लगाइए साहब, अपने फोन से मैं आपको गड़गड़ा रहा हूँ, आप कहना नहीं मान। सर मैं मान रहा हूँ आपका, मैंने ऑलरेडी मैसेज दे दिया उनको। अरे आपने फोन, आप मैसेज पता नहीं क्या दिया, आप अपने फोन तो लगाइए, मैं मैसेज देता हूँ उनको। आप लगाइए फोन, मेरे पर मुझे इतना पता है कि डीसीपी जायसवाल एक्शन लेंगे इसके ऊपर। तो कर ले बात, आप नहीं लेंगे एक्शन? कर ले, तो बहुत सकता है। आप लगाइए फोन इस पे सर, हाँ
लगाइए फोन। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं साहब, मैं कह रहा फोन लगाइए। कवर कवर जा रहे हैं, कवर करो यार। मना तो कर रहे हैं सर, मीडिया मीडिया पूरा मीडिया ले रही है। हाँ जी ये चले गए, वेरी गुड। कोई नहीं रोका, गाड़ी वाले को कोई नहीं रोका। अरे वो बाहर लगा है इतनी कल्चरल कोर्स की कम से कम बेइज्जती हो गई। माना कल मैं जनता ने मुझे सम्राट के एमएलए बनाया, विधायक बनाया, हम कई मुद्रा शुरू कर दिया। भाई आपने फकत किरण वाले जी कहने पर डंडे बरसाए थे मुझे, हमारे कहने पे कम से कम सच्चे काम तो कर लीजिए, सच्चे काम तो कर लीजिए। जो जब जब कह रहे हैं कि रेड कर लीजिए, रेड भी नहीं कर रहे। मैं तो पिछले चार घंटे से खड़ा हुआ हूँ, सब 12 से 4 बज गए। ये विषय वर्ती कब तक चलेगा ना भाई? उस घर में सारे भरे पड़े हैं, मैं कह रहा हूँ घर दिखा रहा हूँ। हेलो पकड़ लो, आप सर्च कभी भी कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉ। अब दो कंपनी मैं आपको कह रहा हूँ देखो भाई लाइक भी लाइक हमारे गांव के एसोसिएशन में लिखवा के ले आओ, गांव के साइन कर देंगे सब। हां हां लिखिए मैं लिखवाओ, हां एसोसिएशन का लेटर हेड पे लिखवा के दो। ये भगवान, हां अभी साइन कर देंगे, लिखवा पीछे तो इसमें कटा होगा बल्ले लगा डीसी पे लिया है। ये हाल है, डीसी से बात कर सकते हैं? खिड़की में उसका क्या है?